और इसलिए प्लीज अधीरंजन जी अब ज्यादा हो रहा है, अधीरंजन जी प्लीज अब ज्यादा हो रहा है, अब ज्यादा हो रहा है। मैं आपका रिस्पेक्ट करने वाला इंसान हूं और मैंने पहले कह दिया आपने जितना किया जहां रजिस्टर होना हो गया, और बंगाल में भी टीएमसी से ज्यादा पब्लिसिटी आपको मिल जाएगी। बाबा क्यों इतना है? हाँ दादा देखो मैं बता दिया, चिंता मत करो मैंने बता दिया। अधीरंजन जी प्लीज, अधीरंजन जी अच्छा नहीं लगता है, मैं इतना आदर करता हूँ, आप आज ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप ऐसा क्यों नहीं करते? अरे भाई हद से ज्यादा क्यों कर रहे हैं आप? प्लीज अधीरंजन जी प्लीज, माननीय सदस्य दादा प्लीज। ये नए कानून अध्यक्ष जी किसी भी के लिए बंधन करता नहीं है, ऐसे कानून है, उनके लिए ऑप्शन है, और जहां ऑप्शन है वहां विरोध के लिए कोई कारण ही नहीं बनता। हां ऐसा कोई कानून जो ऐसे थोप दिया हो उसके लिए विरोध का कारण बनता है, और इसलिए मैं कहता हूं लोगों को, और मैं देख रहा हूं आंदोलन का एक नया तरीका है। क्या तरीका है? आंदोलनकारी जो होते हैं वो ऐसे तरीके नहीं अपनाते, आंदोलन जीवी होते हैं वो ऐसे तरीके अपनाते हैं, और वो कहते हैं ऐसा हुआ तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा। अरे भाई जो कुछ हुआ ही नहीं, जो होना नहीं है उसका भय पैदा कर करके, और पिछले कई सालों से लगातार सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आ जाए, कोई निर्णय नहीं हुआ है और एकदम से तूफान खड़ा कर दिया जाए, आग लगा दी जाए देश में। ये जो तौर तरीके हैं उन तौर तरीके जो भी लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, जो भी अहिंसा में विश्वास करते हैं, उन सबके लिए चिंता का विषय होना चाहिए। ये सरकार की चिंता का नहीं, देश की चिंता का विषय होना चाहिए कि आधार को रोकने के लिए कौन लोग कोर्ट में गए थे, कौन लोग सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटा रहे थे। मैं कभी कभी हैरान हूं, और आज मैं इस बात को बार बार बोलूंगा, अध्यक्ष जी मुझे क्षमा करना, मुझे एक मिनट का विराम देने के लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं। इस हसन में कभी कभी अज्ञान भी बड़ी मुसीबत पैदा करता है। मैं ये तो देख रहा था कि वो इस कानून के कलर पर तो बहुत बहस कर रहे हैं, ब्लैक है कि व्हाइट है, ब्लैक है कि व्हाइट है। अच्छा होता उसके कंटेंट पर चर्चा करते, अच्छा होता उसके इंटेंट पर चर्चा करते, ताकि देश के किसानों को भी सही चीज पहुंच सकती थी। और मुझे विश्वास है दादा ने भी भाषण किया, और मुझे लगता है कि दादा तो बहुत अभ्यास करके आए होंगे, बहुत अच्छी बात बताएंगे, लेकिन वो ज्यादातर प्रधानमंत्री और उनके साथी बंगाल में यात्रा क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, उसी में लगे रहे। तो दादा के ज्ञान से हम इस बार वंचित रह गए। खैर चुनाव के बाद अगर आपके पास मौका होगा तो ये कितना महत्वपूर्ण प्रदेश है, इसीलिए तो हम कर रहे हैं। हाँ आप लोगों ने इसको इतना पीछे छोड़ दिया, हम तो इसको प्रमुखता देना चाहते हैं। मेरा पूरा भाषण बोलने के बाद सब कीजिए, आपको मौका मिला था। आप तो ऐसे शब्द उनके लिए बोल सकते हैं, हम नहीं बोल सकते, हम नहीं बोल सकते हैं। श्रीमान किसान हमारे कैलाश चौधरी जी ने, और
हमारे पूरे समय बोलते ही रहेंगे क्या? अन्य माने आपको पर्याप्त समय पर्याप्त अवसर दिया था, आपने पूरी बात कही, उस समय किसने टोका टोकी नहीं की? प्लीज प्लीज आप मत, माननीय प्रधानमंत्री, माननीय माननीय अधीर रंजन जी, प्लीज प्लीज माननीय अधीर रंजन जी, प्लीज 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 प्लीज। देखिए मैं कितनी सेवा करता हूँ आपकी, आपको जहाँ रजिस्टर करवाना था हो गया। माननीय अध्यक्ष जी, अधीर बाबू कुछ कहना है तो और माननीय अध्यक्ष जी, बीच बीच में जरूरी होता है सब। चलिए ये क्रेडिट भी आपने मुझे दे दी। मिस्टर बालू प्लीज प्लीज, नो नो प्लीज, आप बैठिए, आपको किसने कहा? पीआर बालू जी प्लीज। ये हो हल्ला, ये आवाज, ये रुकावटें डालने का प्रयास एक सोची समझी रणनीति के तहत है, और सोची समझी रणनीति ये है कि जो झूठ फैलाया है, जो अफवाहें फैलाई हैं, उसका पर्दाफाश हो जाएगा, सत्य वहां पहुंच जाएगा तो उनका टिकना भारी हो जाएगा, और इसलिए हो हल्ला करते रहो, जैसा बाहर करते हैं वैसा अंदर भी करते रहो, यही खेल चलता रहा है, लेकिन इससे कभी भी आप लोगों का विश्वास नहीं जीत पाओगे, मान के चलो।